इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प से अज आप फिर मिल रहे हैं सिख हिस्ट्री के लैक्चर सैकेंड के नाल। जिमें कि आप पहला सिख हिस्ट्री का लैक्चर फस्ट डिस्कस किया जिदे आप सिख हिस्ट्री के पहले पांच गुरु डिस्कस किए थे, उन्हें डिटेल डिस्कशन की पेपर में की क्वेश्चन बनते हैं और डिस्कस किए थे। इदा ही अज आप स्टार्ट कर रहे हैं अगले पांच गुरु, गुरु छेवें तो लैके गुरु दसवें तक अज आप डिस्कस कराएंगे सिख इतिहास के। सो उम्मीद करता थोड़ा पिछली वीडियो बहुत रास आई होगी, बहुत हैल्प मिली होगी, वो काफ़ी कुछ डाउट क्लीयर हुए होंगे। इदा ही ये वीडियो भी थोड़े लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है और थोड़े काफ़ी डाउट्स क्लीयर होने वाले हैं और थोड़े बहुत अच्छे नोट्स बनने वाले ने। सो एंड तक वीडियो नाल जुड़े रहो, वीडियो नूं लाइक करो ताकि सानू इनकरेजमेंट मिले थोड़े लिए होर वीडियोज़ लैके आने की। वैसे असं बहुत इनकरेज हो चुके हैं थोड़े प्यार। सो आप स्टार्ट करते हैं अज सिख हिस्ट्री का लैक्चर सैकेंड, पंजाब जीके का लैक्चर थर्ड, सिख हिस्ट्री का लैक्चर सैकेंड। सो टाइम ना वेस्ट कर दो, लैट्स स्टार्ट सिख हिस्ट्री। अज आप छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी तो शुरू कर लगे हैं, 1595 तो 1664 तक, ठीक है जी। इन्हों का समय देखते हैं जी, बर्थ है 19 जून 1595, गुरु हरगोबिंद सिंह जी का बर्थ होया जी 19 जून 1595 में, कितने? बडाली विलेज अमृतसर। पिता सिगे गुरु अर्जन देव जी, ते मदर माता कौन सी? माता गंगा जी। पाउस इन्हां दी पत्नी सी जी, तीन पत्नियां सन, माता दमोदरी जी, माता मरवाही जी एंड माता नानकी जी, ठीक है जी। इन्हां ने किस चीज़ की इंट्रोडक्शन की? उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसनों आपां करांगे स्टार मार्क। इन्होंने किस चीज़ की इंट्रोडक्शन की? गुरु जी ने मीरी ते पीरी दो तलवारां इंट्रोड्यूस कीतियां, वन फॉर स्पिरिचुअल पावर, वन फॉर टैंपोरल पावर। एक गुरु जी की सिखा के उपर जी जड़ा सिखा के उपर उन्होंने जी पावर है उस चीज़ को दर्शाती है, तो दूजी युद्ध के लिए धर्म की रक्षा के लिए दर्शाती है। मीरी तो पीरी दो तलवारा इंट्रोड्यूस कितिया किसने? गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, ठीक है जी। एक जी इन सिखा उपर अथॉरिटी दर्शाती है, तो दूजी धर्म की रक्षा लिए दर्शाती है, ठीक है। दो तलवारा मिरी ते पीरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू आप स्टार मार्क रखांगे जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन, चलो अगला देखते हैं। नॉन एज इन्हों की कहा जाता है जी? बंदी छोड़ बाबा। गुरु हरगोबिंद जी नूं कहा जाता है बंदी छोड़ बाबा, क्योंकि दिवाली वाले दिन ग्वालियर के किले विच्चों अपने नाल 52 राजियां नूं छुड़वा के लैके आए सी, ठीक है। इन्हों ने एक शर्त रखी भी जिन्हें राजे मैनू छूणगे, मैनू टच करनगे, उन्हें मेरे नाल छड़ना पएगा, ठीक है जी। मुगल बादशाह ने शर्त असैप्ट कर ली। इन्होंने एक कुर्ता बनवाया 52 कलियां वाला, 52 कलियां नू छूंदे होए 52 राजे पकड़ के इन्हां दे नाल बाहर आ गए। इदां चतुराई दे नाल गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने दिवाली वाले दिन ग्वालियर के किले चो 52 राजियां नू रिहा करवाया। इस करके इन्हां नू की कहा जाता है? बंदी छोड़ बाबा, ठीक है जी। चलो, ही स्टार्टेड गत्का। जिहड़े सिख मार्शल आर्ट्स है, हुण तां सिख मार्शल आर्ट्स नूं खेलो इंडिया गेम्स दे विच भी शामिल किया गया, तां जो सिख मार्शल आर्ट्स है गत्का, ठीक है जी, वह शुरू किया गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। जदों पंजवें गुरु की शहादत हुई तां उस तों बाद इन्हां नूं लग्गिया वी सिखां दी फौज होनी चाहीदी है जो लड़ सके, एक शस्त्र फौज होनी चाहीदी है जो सिखां दे हक्कां लई लड़ सके, तां की बणाई जी? ता की शुरू किया? गत्का एंड फाउंडेड मिलीटेंट सिख फोर्स, तो युद्ध लड़न के लिए सिखा की फोर्स शुरू की। पहले गुरु सन जिन्होंने सिख फोर्स बनाई जी, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टिड इन्होंने की बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगेन अकाल तख्त। इन्होंने अकाल तख्त साहब बनवाए जी, केड़ी जगह? अमृतसर। ही कंस्ट्रक्टिड अकाल तख्त इन अमृतसर, ठीक है जी। चलो, हरिमंदर साहिब के फ्रंट पर है जी अकाल तख्त, कितने बनवाए? अमृतसर के। अगला देखते हैं, फोर्टिफाइड। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करती किदां कीती? लोहगढ़ का किला बनवा के। इन्होंने किला बनवाया जी, केड़ा? लोहगढ़ का किला, जिस दे नाल इन्होंने अमृतसर की की करती? किलेबंदी। केड़ा शहर बसाया? सिखां लई बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, आखिरी जिहड़ी रस्मां ने मरण तो बाद इत्थे पूरियां हुंदियां ने, कीरतपुर साहिब। सिटी फाउंडेड कीरतपुर साहिब। कंटैंपरेरी रूलर इन्होंने टाइम च किहड़े राजे सन? जहांगीर ते शाहजहां। मुगल राजे सी जहांगीर ते शाहजहां, किसदे कालखंड विच? गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे कालखंड विच। ज्योति जोत समाए जी 1644 कीरतपुर दे विच, ठीक है जी।
ਸੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੜਾਕੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹੇ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਂਗੈਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ, ਲੋਂਗੈਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਮੋਰ ਦੈਨ 37 ਈਅਰ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, 1630 ਤੋਂ 1661 ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ 16 ਜਨਵਰੀ 1630, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਦਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਅਣੰਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੀ ਵਾਜ ਨੋਨ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਕਿਉਰਡ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ ਨੂੰ। ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਕਿਉਰਡ ਐਲਡਰ ਜਾਂ ਐਲਡਰ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਕੌਣ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਐਂਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਸਥਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਕਲੌਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਡੈਥ ਪਲੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਹੂਜ਼ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਡੈਥ ਪਲੇਸ ਇਸ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕੌਣ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 1656 ਤੋਂ 1664, ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਜੀ 7 ਜੁਲਾਈ 1656 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਔਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। 5 ਸਾਲ, ਮਾਤਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ। 5 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ, ਐਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅੰਬਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਡਾਇਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਿਡ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟੈਨਿਓਰ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 24 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਕਾਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ
अगले गुरु की तलाश की तो गुरु कित्थे मिले जी, अगले गुरु मिले बकाले, बाबा बकाला पिंड है जी उत्थे मिले अगले गुरु जी। तो इन्होंने कहा बाबा बकाले इस चीज़ लई जाने जाते हैं। सिख इतिहास में नाम है गुरु हरकृष्ण जी का, खास करके इन्होंने कहा बाबा बकाले मृत्यु तो पहला। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपना, अगे देखते हैं जी। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, 1621 तो 1675 की है इन्हों का कालखंड है जी। गुरु तेग बहादुर जी जन्म है जी 21 अप्रैल 1621 जन्म होंगे गुरु तेग बहादुर जी का। महान शख्सियत, जन्म कित्थे है अमृतसर, पिता गुरु हरगोबिंद जी ते माता मदर नानकी जी। मदर कौन सी? माता नानकी जी। इन्हें धर्म पत्नी सी माता गुजरी जी। केड़ा शहर बसाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, केड़ा शहर बसाया? चक नानकी, आनंदपुर साहिब। अज की डेट दे विच इन्हां इसनूं की कहा जाता है जी, प्रेजेंट डे की कहा जाता है? आनंदपुर साहिब चक नानकी बिहेडिड। ये दूजे सिख गुरु सन जिन्हां दी शहादत होई, इन्हां दा धड़ ते सिर अड कर दिते गए किस दे ऑर्डर ते जी? ही वॉज बिहेडिड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, मुगल राजे औरंगजेब दे ऑर्डर ते इन्हां दा सिर धड़ तो अड कर दिता गया। बाय द एक्स ऑफ जलालुद्दीन ऑफ समाणा, समाणा दा जलाल सीगा जलालुद्दीन, जिसने यह हरकत की, जिसने औरंगजेब दे ऑर्डर ते गुरु जी का सिर धड़ तो अड किया। कौन सी? जलालुद्दीन, समाणे का जलाद। कि जगह किया जी? चांदनी चौंक दे विच। ए वाका कित्थे वापरिया? चांदनी चौंक दिल्ली दे विच। ठीक है जी, ते इस जगह ते एट दिस प्लेस अज दी डेट दे विच गुरुद्वारा सीसगंज साहिब स्थापित ने जी, जिथे गुरु जी ने अपना सीस दिता। इस जगह ते अज दी डेट दे विच गुरुद्वारा सीसगंज साहिब स्थापित ने। ठीक है जी, और एक गुरुद्वारा सरदार बघेल सिंह द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, मुगल बादशाह ने ऑर्डर देते कि गुरु जी की बॉडी का कोई भी संस्कार नहीं करेगा। ठीक है, फिर लखी शाह लुभाणा, जिसनों लखी बंजारा भी कहा जाता, इसने गुरु जी की बॉडी का संस्कार किया। अपनी झोंपड़ी के अपनी पूरी झोंपड़ी फूकती गुरु जी का संस्कार करने के लिए। हिज डिसेंबर्ड बॉडी वॉज क्रीमेटिड बाय लखी शाह लुभाणा। इंपॉर्टेंट है जी लखी शाह लुभाणा, और की कहा जाता? लखी बंजारा। लखी बंजारे ने अपनी झोंपड़ी के गुरु जी का दाह संस्कार किया। तो इस जगह पर अज की डेट च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब लोकेटेड ने जी। ठीक है, एट दिस प्लेस गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सिटुएटिड। ठीक है जी, केड़ी जगह? जिथे गुरु जी की बॉडी का दाह संस्कार किया गया, दिल्ली के। ठीक है जी, किसने किया? लखी शालूबाणा, जिसनों लखी बंजारा के नाम नाल जाणिया जाता। फिर गुरु जी के जड़ा हैड है, गुरु जी के पवित्र हैड न कौन लैके गया जी? हिज हैड वॉज लिफ्टिड बाय भाई चैता जी आनंदपुर साहिब। ठीक है जी, गुरु जी के हैड न कौन लैके गया जी? भाई चैता जी लैके गए। कितने लैके गए? आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल। ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर साहब न की कहा जाता है? हिंद की चादर। की कहा जाता है जी? डाडा गुरु तेग बहादुर कहते जिन्हों हिंद की चादर, हिंद की चादर। कश्मीरी पंडित दी पंडितों की रक्षा करते हुए गुरु जी ने अपने अपना सीस देता, अपने प्राण वारते। इन्हों कहा जाता हिंद की चादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा जाता हिंद की चादर। ठीक है जी, चौथी जोत कदों समाए? 1675 दे विच चांदनी चौंक दे विच। ठीक है, 1675 दे विच इन्हों का सीस कट्टा गया, जलालुद्दीन ने सीस कट्टा औरंगजेब के ऑर्डर। ज्योति ज्योत समाए 1675 दे विच चांदनी चौंक दिल्ली दे विच। अगले गुरु कोल चलते हैं जी, जिहड़े दसवें गुरु ने गुरु गोबिंद सिंह जी। 1668 तो 1708 टाइम पीरियड है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। चलो देखते हैं जी, बर्थ है 22 दिसंबर 1668। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कदों होंगे जी? 22 दिसंबर 1668। जन्म स्थान कित्थे है? पटना। फादर कौन सीगे जी? गुरु तेग बहादुर जी। मदर सी माता गुजरी जी।
स्पाउस पत्नी कौन सी धर्म पत्नी सी जीतो जी सुंदरी जी ते साहिब दीवा ठीक है तीन धर्म पत्नियां सन गुरु गोबिंद सिंह जी दी सन चार साहिबजादे जिन्होंने धर्म के खातर अपनी जान की परवाना की ठीक है चार साहिबजादे साहिबजादे जोरावर सिंह साहिबजादा जुचार सिंह साहिबजादा फतेह सिंह ते साहिबजादा अजीत सिंह चार साहिबजादे सन गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिटी फाउंडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी केड़ा शहर बसाया पौंटा साहिब केड़ा शहर बसाया जी पौंटा साहिब शहर बसाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने कॉम्पोजिशन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े ग्रंथां की रचना की देखते हैं जी आप दसम ग्रंथ वार श्री भगौती जी की अकाल उस्तत चंडी की वार इन्हों सब इस वार को सब तो उपर रखा गया सिख धर्म में चंडी की वार जाप साहिब चांदी चरित्र ज्ञान प्रबोध चौबीस अवतार खालसे की महिमा ते स्वयल ये की ने जी ये कॉम्पोजिशन ने गुरु गोबिंद सिंह जी दिया ये ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखे गए ने गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी स्वै जीवनी की है जी इन्होंने अपनी स्वै जीवनी लिखी की है जी बचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वै जीवनी की है बचित्र नाटक लैटर इन्होंने औरंगजेब ने एक लैटर लिखा जिसनों कहा जाता है जी जफरनामा ही रोड जफरनामा टू औरंगजेब इतिहासकार कहते हैं कि जफरनामा इन्ना इमोशनल सी कि औरंगजेब पढ़ के इसनों सहार नहीं पाया तो कुछ समय से ही मृत्यु हो गई ठीक है तो जफरनामा लैटर लिखा जी किसनों औरंगजेब नूं किसने गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही अबोलिश्ड मसंद सिस्टम आपां मसंद सिस्टम किया सीगा जी पहला भी ठीक है इन्होंने की खत्म करता मसंद सिस्टम जो घर घर जाके मसंद पैसे धेला दुध राशन आदि इकट्ठा करते सी ते बाद विच मसंद की हो गए बहुत करप्ट हो गए ठीक है जी तो गुरु जी ने मसंद सिस्टम ते की लाती पाबंदी लाती दसवंद सिस्टम चलता रहा ते अज भी चल रहा मसंद सिस्टम खत्म करता जी गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की केड़ी जगह प्लेस लिखो जी इंपॉर्टेंट है आनंदपुर साहिब आनंदपुर साहिब विखे गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की कदों 1699 ठीक है जी खालस मतलब पवित्र ठीक है जी ज्योति जोत गुरु जी ज्योति जोत कदों समाए 1708 नंदेड़ महाराष्ट्र ठीक है जी जिथे अज की डेट के सिखा दे तख्त ठीक है तख्त श्री हजूर साहिब सिटुएटड ने 1708 उस थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समा गए जी नंदेड़ महाराष्ट्र एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया जी इन्होंने तोस नूं मॉडिफाई करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखते हैं दिल रूबा गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिल रूबा बनाया जी बाय मॉडिफाइंग तोस तोस नूं मॉडिफाई करके बनाया गया जी दिल रूबा ठीक है किसने बनवाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु जी ने बहुत सारे युद्ध लड़े आप देखते हैं डिटेल्ड गुरु जी ने केड़े केड़े युद्ध लड़े पेपर ले इंपॉर्टेंट है बैटल्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी लिखो जी पहली केड़ी है बैटल ऑफ पंगानी लड़ी 1688 दे विच नाल राजा भीम चंद ते पहाड़ी राजियां दे नाल राजा भीम चंद ते पहाड़ी राजियां दे नाल ये युद्ध होया गुरु गोबिंद सिंह जी का बैटल ऑफ पंगानी कदों ही 1688 दे गुरु जी जित गए विक्टर कौन होए गुरु जी अगली देखते हैं जी बैटल ऑफ नदौन कदों हुई 1690 बैटल ऑफ नदौन अगेंस्ट अलीफ खान इहदे नाल हुई जी अलीफ खान दे नाल हुई और इस युद्ध दे विच भी गुरु गोबिंद सिंह जी
गए जी, विक्टर होए गुरु जी। अगला युद्ध देखते हैं जी, फस्ट बैटल ऑफ आनंदपुर कदों हुई, 1701 दे विच हुई जी आनंदपुर की पहली लड़ाई, अगेंस्ट अगेन जी राजा भीम चंद ते पहाड़ी राजे, पहाड़े राजे ते राजा भीम चंद दे नाल ही दोबारा लड़ाई हुई। अगेन यह लड़ाई कौन जित गया? गुरु गोबिंद सिंह जी ये युद्ध जित गए। फिर चौथी हुई जी बैटल ऑफ निरमौ कदों हुई, 1702 दे विच, इहदे नाल ओही टेढ़ बंदा राजा भीम चंद ते मुगल्स दे नाल, ठीक है जी। बार बार युद्ध विच मात खान तो बावजूद भी हटिया नहीं राजा भीम चंद, दोबारा इसने युद्ध लड़िया बैटल ऑफ निरमौ गुरु जी नाल, ये युद्ध भी गुरु जी जित गए। नैक्सट बैटल ऑफ बसोली कदों हुई जी, 1702 दे विच हुई बैटल ऑफ बसोली अगेंस्ट ओही बेशरम बंदा राजा भीम चंद, ठीक है जी। ते कौन जित गए? गुरु जी जित गए बैटल ऑफ बसोली। फिर हुई जी सैकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर, इंपॉर्टेंट है जी आनंदपुर की दूजी लड़ाई, इस दे नाल हुई जी पहाड़ी राजे अते वजीर खान, ठीक है, अते इहदे विच मुगल्स भी शामिल सी, और इहदे विच पहाड़ी राजियां दी ते वजीर खान दी जित हो गई जी, ठीक है। इस युद्ध दे विच गुरु जी हार गए। अगला देखते हैं जी बैटल ऑफ चमकौर, चमकौर की लड़ाई हुई 1704 दे विच, इहदे नाल मुगल फोर्सिस दे नाल, ते कौन जित गया जी? मुगल फोर्सिस ए युद्ध जित गईयां, ठीक है जी। फिर अगला युद्ध होया जी बैटल ऑफ खिदराणा, खिदराणे की लड़ाई, खिदराणे नूं अज की डेट च कहा जाता है मुक्सर, मुक्सर साहिब पुराना नाम है खिदराणे की ढाब, कदों हुई 1705 दे विच अगेंस्ट मुगल फोर्सिस, ते ए युद्ध गुरु जी जित गए, ठीक है जी। सिर्फ दो ही युद्ध हैं जो गुरु जी हारे, बाकी सारे युद्ध गुरु जी जित गए। यह सीगियां जी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह जी। सो अपने यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। यह सी गुरु, यह सीगे साढ़े 10 गुरु जो ज्योति ज्योत समा चुके हैं, इस टाइम जो विराजमान गुरु ने साढ़े 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है। सो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए ने, ठीक है जी। सो तुसी बड़े ध्यान दे नाल जिहड़े आपां स्टार मार्क किए जो डिस्कस किए अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, थोड़े लिए पेपर विच बहुत ज़्यादा काम आने वाले, ठीक है। जिहड़े इत्थे तक वीडियो देख चुके हैं वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। अगे चलते हैं जी, 5 तख्त इन सिखीज़म, सिखीज़म दे विच 5 तख्त होए हैं, 5 सुप्रीम गद्दियां हुई ने जिथों सिख धर्म के अहम फैसले लिते जाते हैं, अहम कारज किए जाते हैं। तो 5 सिख तख्त होए जी, पहले हैं जी श्री अकाल तख्त, श्री अकाल तख्त, ठीक है जी। बहुत फेमस दुनिया का सब तो व्डे गुरुद्वारा दे विच स्थापित ने अकाल तख्त साहिब, इतने सब तो ज़्यादा धार्मिक गैदरिंग, सब तो ज़्यादा लोग लंगर छकते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब कितने है जी? अमृतसर दे विच। और श्री अकाल तख्त साहिब नूं कहा जाता है जी सिफती दा घर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केड़े तख्त नूं कहा जाता है सिफती दा घर? श्री अकाल तख्त साहिब नूं कहा जाता है सिफती दा घर। नैक्सट है जी श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब कितने है जी? तलवंडी साबो, तलवंडी साबो दे विच ने तख्त श्री दमदमा साहिब। इन्हां नूं कहा जाता है जी गुरु की काशी, गुरु की काशी कहा जाता है जी श्री दमदमा साहिब नूं, गुरु की काशी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीजे तख्त ने जी श्री केसगढ़ साहिब, केसगढ़ साहिब कित्थे ने? आनंदपुर साहिब दे विच, केसगढ़ साहिब। तो 3 तख्त साढ़े पंजाब दे विच ने, ते 2 तख्त ने पंजाब तो बाहर। तो केसगढ़ साहिब कित्थे? आनंदपुर साहिब दे विच, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन नैक्सट देखो जी श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब कित्थे है? पटना बिहार दे विच, पटना बिहार दे विच ने जी श्री पटना साहिब। पुराना नाम सीगा पटना दा पाटली पुत्र, हां जी। और साढ़े जिहड़े 5वें तख्त ने जी, ये ने श्री हजूर साहिब, कित्थे? नंदेड़ महाराष्ट्र दे विच। तख्त श्री हजूर साहिब कित्थे? नंदेड़ महाराष्ट्र दे विच। तां इह ने जी सिख इतिहास ते सिख धर्म दे 5 तख्त, ठीक है जी। श्री अकाल तख्त, श्री दमदमा साहिब, श्री केसगढ़ साहिब, श्री पटना साहिब ते हजूर साहिब।
ठीक है जी, जिहड़ियां पंज सुप्रीम गद्दियां इत्थे लग्गियां होईयां ने जित्थों सिख धर्म दे अहम फैसले कीते जांदे हन। तो इहने इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो साडा जिहड़ा सिख गुरूज़ दा टॉपिक है उह टॉपिक इत्थे खत्म हुंदा है, ठीक है। आपां दो पार्ट्स विच पंज पंज गुरु करके डिस्कस किए, पंज पंज गुरु करके तां किए कि थोनू पढ़ना थोनू याद करना सौखा हो जाए, ठीक है जी। तो अपने नोट्स बना लो, प्रॉपर नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है जी। इस दे विच आपां कोई चीज़ नहीं करनी। हुण अगला लैक्चर आपां स्टार्ट करांगे, सिख हिस्टरी दे विच ही चलेगा जी। हुण अगले लैक्चर दे विच आपां महाराजा रणजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर, सिखां दीआं मिसलां आदि यह चीज़ा डिस्कस करांगे, जो भी साढ़े पेपर तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहला ही कहा सी संकल्प इंस्टीट्यूट का एक मोटिव है कि स्टूडेंट नूं जो जरूरी इनफॉर्मेशन है वह प्रोवाइड कराना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो। आप किसी तरह की कहानियां नहीं पढ़नियां, ठीक है, भी वीडियोस लंबी बनाने के चक्कर आप कहानियां नहीं, अपने वह चीज़ डिस्कस करते हैं जो साढ़े पेपर के लिए जरूरी है, जो साढ़े पेपर के आना है, ठीक है। तो इत्थे दी वीडियो अज आपां अंत करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो के नाल थोड़े नाल बहुत ही जल्द मिलांगे। तो जिहड़े मेरे दोस्त नवे ने, मैं इस वीडियो विच उन्हां नूं पिछली वीडियोज़ का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो चैनल नूं सबसक्राइब करो, दोस्तों नाल शेयर करो, ताकि जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने सारे भाईचारे विच सांझे कीती जा सके। कर रहो, सेफ रहो, अपना ते अपने परिवार का ध्यान रखो। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो दे।